आपको मालूम है तो पिछले आज ऐसा कानून हो गया। मोदी सरकार जो काला कानून बनाया है वो काला कानून हमारा किसान के लिए मौत का परवाना है। हम 6 महीना से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं मगर सरकार हमारे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने आगे बढ़ा चर्चा शुरू किया 1 दिसंबर से एक लगातार 6 दिन चर्चा हुआ जिसमें मैं हाजिर था और सरकार कोई वादा नहीं किया, हमारा कोई एजेंडा नहीं लिया। वो जबरदस्ती बोल रहे संशोधन करो संशोधन करो। हम कह रहे हैं जो कानून किसान विरोधी है संशोधन करके किसान दोस्त नहीं हो सकता। पूरा कानून किसान विरोधी है, इसको बदलना है पूरा कानून और यूनिवर्सिटी, इससे हमारा कोई समझौता नहीं है। ये चला 7 दिन लगातार चला, जब सरकार हमारे पास नहीं माना तो आखिर में हमारे सामने संघर्ष को आगे बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पूरा रास्ता दिल्ली का, पूरा लाखों किसान बैठे हैं जयपुर दिल्ली रोड। इस रास्ता में जब आंदोलन हमारा आगे बढ़ा तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको भी जोड़ा है और आज ये भी पूरा हो गया। इसके साथियों हमारे ऊपर जितना भी जुलूम लोग पचा रहे वहाँ लाखों करोड़ों किसान आज इकट्ठे होकर जो मांग गया है 70 साल में 500 किसान संगठन इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ा है, ये ऐतिहासिक है। लाखों किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पत्ता भी तोड़ा नहीं है। सबसे अहिंसा आंदोलन है, ऐसा आंदोलन हिंदुस्तान देखा नहीं है। इसलिए दोस्तों आंदोलन लंबा होगा, ये आंदोलन शांतिपूर्ण होगा और ये आंदोलन गद्दारों के खिलाफ एक लड़ाई होगा। इस लड़ाई में सब मिलके सारे किसान संगठन इकट्ठा होके हम लड़ेंगे और जीतेंगे, यही हमारा शपथ है। इंकलाब चिल्ला धन्यवाद हमारे बीच भारतीय किसान सभा अजय भवन के राजस्थान के नेता तारा सिंह सिद्धू भी हैं। हमारे बीच धनखड़ खाप से डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आए हुए हैं। पंजाब कृषि किसान यूनियन के साथी हमारे बीच आए हुए हैं। कब औरंगाबाद महाराष्ट्र से चल के कुछ साथी हमारे बीच आए हैं। ये मोर्चा कोई कच्चा मोर्चा नहीं है, ये हम कोई 1 घंटे 2 घंटे की जनसभा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाने आए हैं। जैसे मैंने कहा पूर्व का पश्चिम का उत्तर का मोर्चा था, दक्षिण का मोर्चा खुला और जहाँ वो साथी वो बहने वो भाई है जो दक्षिण का मोर्चा संभालेंगे ताकि चारों दिशा से आवाज आएगी तो सरकार के कान में गूंजेगी। इसलिए इस ऐतिहासिक संघर्ष में शामिल भारत का मजदूर किसान। अब मैं बहन मेधा पाटकर जी से कहूंगा कि वो हमें संबोधित करें।